Hello students, this is Rajan and you are watching Art Studio 2. Video lecture Fine Arts 12th के लिए है, जो बच्चे CBSE बोर्ड में Fine Arts सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उनके लिए ये वीडियो होपफुली काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को आप देखें और समझने का पूरा प्रयास करें कि कैसे हम इंडियन आर्ट को डील कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इंडियन आर्ट के बारे में। इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं पहले चैप्टर से। जो पहला चैप्टर है ट्वेल्थ का, वो है द मैनुस्क्रिप्ट्स पेंटिंग ट्रेडिशन। द मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन, ये कि मैनुस्क्रिप्ट्स पेंटिंग का जो ट्रेडिशन है किस तरीके से शुरू हुआ, कहाँ पे इसका पहला सोर्स हमें मिला। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये द थर्ड खंड ऑफ द विष्णु धर्मत्व पुराण अस फिफ्थ सेंचुरी टेक्स्ट हैज ए चैप्टर चित्र सूत्र। विष्णु धर्मत्व पुराण के थर्ड खंड, खंड एक यहाँ पे है वर्ड, खंड मीन्स पार्ट, खंड द थर्ड खंड ऑफ द विष्णु धर्मत्व पुराण अ फिफ्थ सेंचुरी टेक्स्ट हैज ए चैप्टर कॉल्ड चित्र सूत्र। चित्र सूत्र जो है विच शुड बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स बुक ऑफ इंडियन आर्ट इन जनरल। इन जनरल इंडियन आर्ट के बारे में अगर जिक्र हुआ है तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है चित्र सूत्र में, विष्णु धर्मत्व पुराण के थर्ड खंड में। लेकिन उसमें स्पेसिफिकली पेंटिंग के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है, ज़्यादा उसके बारे में बताया गया है। इट टॉक्स अबाउट द आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग कॉल्ड प्रतिमा लक्षणा। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिमा लक्षणा, विच आर कैनन्स ऑफ पेंटिंग। प्रतिमा लक्षणा सडंग है पेंटिंग का, एक तरीका, रूल्स हैं इसमें। और भी द खंड ऑल्सो डील्स विद द टेक्निक्स। इस खंड में पेंटिंग के टेक्निक्स, टूल्स क्या यूज होंगे, मटेरियल्स कौन से होंगे, सरफेस कैसा होगा, परसेप्शन क्या होगा, पर्सपेक्टिव क्या होगा, एंड थ्री डायमेंशनल ह्यूमन फिगर्स के बारे में जिक्र मिलता है। जैसे डिफरेंट लिम्स ऑफ पेंटिंग सच है, जो रूल्स हैं उसमें हैं, जैसे रूप भेद। रूप भेद पर आपको काफ़ी ध्यान देना होगा कि पेंटिंग का लुक्स एंड अपियरेंस कैसा होगा, प्रमाण मेजरमेंट, प्रोपोर्शन एंड स्ट्रक्चर, उसका प्रमाण कैसा होगा, मेजरमेंट क्या होगा, प्रोपोर्शन कैसा होगा। कोई भी पेंटिंग्स जब हम बनाएंगे तो उसका प्रोपोर्शन प्रॉपर होना चाहिए, उसमें एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, एस्थेटिक कंपोजिशन, उसका ओवरऑल कंपोजिशन उसका बढ़िया दिखना चाहिए, रेजेम्बलेंस अच्छा होना चाहिए, और वर्णिका भंग। यही यहाँ पे यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स के बारे में जिक्र है कि आपको कैसा हैंडल करना है, ब्रश को कैसे यूज करना है, कलर्स को किस तरीके से यूज करना है। तो ये सारी जो पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग का सबसे पहला जिक्र जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो चित्र सूत्र में, ठीक है। उसके बाद दीज कैनन्स वर रेड एंड अंडरस्टूड बाय आर्टिस्ट एंड फॉलो थ्रू सेंचुरीज। काफी लंबे समय तक इसको फॉलो किया जाता रहा है। पेंटिंग्स फ्रॉम द मिडिवियल पीरियड हैव अर्न अ कॉमन नेम। मिडिवियल पीरियड के टाइम में इन पेंटिंग्स को मिनिएचर पेंटिंग्स कहा गया, मिनिएचर पेंटिंग, ड्यू टू दे आर रिलेटिवली स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज होने की वजह से इनको मिनिएचर पेंटिंग कहा गया। हिंदी में इसको लघु चित्र कहते हैं। दीज मिनिएचर पेंटिंग्स वेयर हैंड हेल्ड एंड ऑब्जर्व फ्रॉम अ क्लोजर डिस्टेंस ड्यू टू देयर डिटेल्स। ये जो पेंटिंग्स थी या आज भी हैं म्यूजियम्स वगैरह के कलेक्शन में हैं, तो इन पेंटिंग्स में इतने ज़्यादा डिटेल होते थे कि उसको पास से देखना होता था, और पास से आप हाथ में लेकर उसको उसके डिटेल्स वर्क को देख सकते थे। ये सारी जो पेंटिंग्स थी उस समय दीवारों वगैरह पे टंगी हुई नहीं होती थी। द वॉल ऑफ अ पैट्रन प्लेस वेयर ऑफन डेकोरेटेड विथ म्यूरल पेंटिंग्स। जो वहाँ पे जो भी राजा थे, किंग थे या पैट्रोनस थे आर्ट के, उनके घरों में या उनके प्लेस पे, जो भी जगह है वहाँ पे वॉल पे ये पेंटिंग डिस्प्ले नहीं होती थी, बल्कि वहाँ पे म्यूरल्स पेंटिंग बनाए जाते थे, डायरेक्ट दीवारों के ऊपर म्यूरल्स हुआ करती थी। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मैनुस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन। मैनुस्क्रिप्ट क्या होता है, इसको हिंदी में आप पांडुलिपि, मैनुस्क्रिप्ट को पांडुलिपि
कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स इलस्ट्रेशन वेयर प्रिसाइजली कंसिडर्ड इन थीमेटिक सेट। कोई भी अगर मान लीजिए कोई स्टोरी है और उस स्टोरी को पिक्चर और राइटिंग के थ्रू दिखाना है और हैंडमेड होना चाहिए, ये बेसिकली हैंडमेड हो, अगर ये प्रिंटर से प्रिंट होगा तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं कहलाएगा। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स उसको कहा जाता था जो हैंडमेड होता था पूरी तरीके से, जिसे हाथों से बनाया गया। और मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन वेयर प्रिसाइजली कंसिडर्ड इन थीमेटिक सेट, इच सेट इंक्लूड सेवरल लूज पेंटिंग्स। हर एक सेट में बहुत सारे लूज पेंटिंग होते थे। इच फोलियो ऑफ पेंटिंग हैज इट कॉरस्पॉन्डेटिंग टेक्स्ट इंस्क्राइब्ड आइदर इन द डिफाइंड स्पेस ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द पेंटिंग या पीछे पेंटिंग के ऊपर में। ये पेंटिंग मान लीजिए पेंटिंग्स है, तो यहाँ पे अगर जगह है तो यहाँ पे कुछ वर्ड डिफाइन किए जाते थे, उसके बारे में लिखा जाता था, यहाँ पे तस्वीरें बनती थी। अगर यहाँ पे जगह नहीं है या पूरे पेंटिंग्स बन चुकी हैं तो इसके बैक साइड में भी टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सेट जो बनते थे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे रामायण के ऊपर पेंटिंग्स, भागवत पुराण के बारे में, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला एटसेट्रा। इच सेट वॉज रैप्ड अप इन अ पीस ऑफ क्लोथ, इसको कपड़े में बांध के स्टोर किया जाता था लाइब्रेरी ऑफ द किंग या पैट्रन के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोलियो पेज ऑफ द सेट वुड बी द कोलोफोन पेज। कोलोफोन पेज होता है जिसके कवर पेज के बाद वाला पेज को कहा जाता है, विच वुड फर्निश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ द पैट्रन, आर्टिस्ट, डेट, प्लेस ऑफ द वर्क एंड अदर सच इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। जो भी डिटेल्स हैं उस किताब के अंदर कि इस किताब में किसने काम किया, किसके अंडर में काम हुआ, कौन से प्लेस पे काम हुआ, ये सारी डिटेल आपको कोलोफोन पेज में मिल जाएंगी। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिसके कोलोफोन पेजेस जो हैं अक्सर मिसिंग मिलते हैं। और एक्सपर्ट स्कॉलर हैं वो अपने स्टडी के आधार पे उसको फाइंड आउट करते हैं कि उसका आर्टिस्ट क्या होगा, डेट क्या हो सकता है, प्लेस ऑफ वर्क या पैट्रोनेज कौन हो सकते हैं। बींग डेलिकेट पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटिंग आर लाइकली टू मिसहैंडलिंग फायर, ह्यूमिडिटी एंड अदर सच डिजास्टर। इसका कारण रहा खराब होने के पीछे, बहुत सारा कुछ मिसिंग होने के पीछे, डेलिकेट पीस यानी काफ़ी ज़्यादा डेलिकेटेड ये आर्टवर्क होते थे, मिसहैंडलिंग के वजह से, फायर के वजह से, ह्यूमिडिटी या अदर डिजास्टर के वजह से ये सारे खराब हुए। कंसिडर्ड एज अ प्रीसियस आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल्सो बींग पोर्टेबल, ये छोटे होते थे तो ये काफ़ी आसानी से एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर दिया जा सकता था, ये पेंटिंग कहीं भी आसानी से आप ले जा सकते थे। इसलिए इसको अक्सर प्रिंसेस, जब शादी होती थी तो प्रिंसेस को डाउरीज के रूप में पेंटिंग्स दिया जाता था। अ पेंटिंग ऑल्सो ट्रेवल टू रिमोट रीजन्स विथ मूविंग पिलग्रिम्स, मॉन्क्स, एडवेंचर्स, ट्रेडर्स एंड प्रोफेशनल नैरेटर्स। रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इज अ फेनोमेनल टास्क। देयर आर फ्यूअर डेट सेट्स, बहुत सारी पेंटिंग्स है उसमें आपको डेटेड मिलेंगे कंपेयर टू अनडेटेड वंस, अनडेटेड ज़्यादा मिलेंगे आपको। द लूज फोलियोज आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ देयर ओरिजिनल सेट, जो भी लूज फोलियोज थे वो ओरिजिनल सेट का पार्ट नहीं रहा, वो डिस्पर्स कर दिए गए वेरियस म्यूजियम या तो प्राइवेट कलेक्शन में। तो ये सारे इस वीडियो में हमने सीख जाना इंडियन पेंटिंग का सोर्स कहाँ से मिलता है और मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मिनिएचर पेंटिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे वेस्टर्न स्कूल ऑफ इंडियन पेंटिंग बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।